कोटा के विज्ञान नगर में आज मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग आयोजित की गई। मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मुख्तार हुसैन अंसारी ने बताया कि आज कोटा के विज्ञान नगर में मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई और आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। डिस्पेंसरी, ओपीडी, लैब और मेडिकल स्टोर विज्ञान नगर कोटा में जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। क्लिनिक की मरम्मत, पेंटिंग, नल व बिजली की फिटिंग, लेड मशीनों की खरीद, फर्नीचर का काम, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस, फायर एनओसी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वेस्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना, साथ ही स्टाफ हायरिंग अधिकार भी लगभग पूरे हो चुके हैं। मीटिंग ने बताया कि इनॉग्रेशन की तारीख तय की गई, आगामी 26 फरवरी को इनॉग्रेशन किया जाएगा। बैठक में मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट में अपनी सेवाएं देने वाले भामाशाह का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही चैरिटेबल ट्रस्ट में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह का भी माला पहनाकर सम्मान किया गया। हमने मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट के जेरा इत्मा जो हम एमसी जो उसको बनाने जा रहे हैं उससे मुतालिक मशवरे के लिए सरपरस्तों को, कोटा के मौजूदा हजरात को और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी को आज इकट्ठा किया था ताकि 26 तारीख को होने वाले हमारे इनोग्रेशन के अंदर किस तरह की तैयारी की जा सके, किस लेवल पर काम किया जा सके और एक हमारा जो सेटअप तैयार किया हम लोगों ने वो उसका फीडबैक डॉक्टर वगैरह को बुलाया गया था ताकि उनकी कमी बेची हुई है तो वो भी बेहतर हमें बता सकते हैं। फरवरी को शुभारंभ हो रहा है, इसके अंदर शेर का जनवर जुबैर अहमद साहब से इसका इफ्तः करवाएंगे। शांति धारीवाल साहब और हमारे जो चीफ गेस्ट वगैरह दो चार लोग हैं उन सबको बुला के बड़े लेवल के ऊपर यहीं पर ही किसी क्लिनिक के सामने था। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और ये मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जो एमसीटी आप देख रहे हैं सामने, उसी के शुरुआत हुई है। एक ऐसा लोगों को एक सिर्फ एक समाज तक ये महदूद नहीं है, सीमित नहीं है, समाज के हर तबके के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, वो यहाँ पर आकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। बहुत कम दरों में इलाज होगा, धीरे धीरे सारी सुविधाएँ बढ़ाई जाएंगी और कोटा की आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप इस एमसीटी से जुड़ें और अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत परवाह भी करें और यहाँ पर आएं और हमारी सेवाओं को आप आजमाएं, देखें और हम उम्मीद करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेंगे। आज का जो कार्यक्रम था वो जैसे डॉक्टर इंद्र प्रधान साहब ने बताया कि एक समाज सेवक, देश की सेवक, जो अभी जो हमारे सामने समस्या है के लोगों को स्वास्थ्य लाभ किस तरह से दिया जाए जी, खास तौर से जो लोग पसमानदा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और समाज के हर तबके को, हर समाज के हर तबके को ये एक फैसिलिटी देने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। अभी प्रोग्राम जो है इसी महीने 26 तारीख से तकरीबन शुरू होने का अंदाज़ा है और उम्मीद है 26 फरवरी से और उम्मीद है कि यहाँ पर जो ओपीडी फैसिलिटीज़ हैं और लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ हैं और फार्मेसी की फैसिलिटीज़ हैं जो कि कम दरों पे, रियायती दरों पे शुरू की जाए। सभी समाज के अंदर जो गरीब लोगों के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, जांच वगैरह और जाँचें वगैरह सभी के अंदर काम करना और कम रेट में काम, रियायती दरों, ये सब रियायती दरों पर, ये एक बहुत अच्छी बात है। इन सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, इन्होंने इस तरह की बात कही और कुछ लोगों ने बड़े अपने जज्बात इसके अंदर जाहिर किए हैं, खेतों का खुलासा करने का, चीज़ें देने का, सारी बातें। तो मेरा एज ए डॉक्टर फ्री में यह पेशेंट देखूंगा, एक घंटा डेली अपना टाइम दूंगा, 6 महीने तक।